असलकुम हमने पिछले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था और हमने काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जिस टर्मिनोलॉजी की हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमने पिछले अपने लेक्चर में डिस्कस की थी और एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस की मदद से हमने उन सारे के सारे कंसेप्ट को इनहांस किया और कोशिश की कि वो कंसेप्ट हमारे लिए सारे के सारे क्लियर हो जाएं। आपने खास तौर पे एक बात जरूर नोट की होगी कि जब हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मालूम करना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बेसिकली ट्रांसलेट हो जाता है इनटू क्वेश्चन ऑफ काउंटिंग प्रॉब्लम हमने मालूम करना होता है कि इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं और उनकी तादाद क्या है और एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट experiment का जो सैम्पल स्पेस है इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आते हैं अगर हम इवेंट को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर लें और अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करने के बाद उसके फेवरेबल आउटकम्स को काउंट कर लें करेक्टली देन इट्स वेरी सिंपल हम रेशोस मालूम कर लेते हैं सैम्पल स्पेस के आउटकम्स की और इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स की हम डिवाइड कर देते हैं और दैट रेशो गिवस व्यवस्था प्रोबेबिलिटी आज के लेक्चर में हम कुछ प्रोबेबिलिटी लॉज को स्टडी करेंगे और नेचुरली हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे विच विल यूज दोज लॉज फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जो सबसे पहला हम लॉ स्टडी कर रहे हैं वह है एडिशन लॉ इसमें हमें यह देखना होगा कि अगर हमें दो इवेंट्स दिए गए हैं तो हम उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम कर सकते हैं इवेंट्स जैसे मैंने डिस्क्राइब किया था पहले डिफाइन किया था इवेंट्स आर बेसिकली सबसेट्स ऑफ द सैंपल स्पेस और अगर हम दो इवेंट्स लेते हैं दे विल बी टू सबसेट्स और उनके यूनियन को जब डिफाइन करेंगे, यूनियन लेंगे सैंपल स्पेस अब हमने मालूम करना होगा इवेंट्स के, के यूनियन की प्रोबेबिलिटी कैसी है क्या आती है हमारे पास हमारे पास दो डिफरेंट लॉज होंगे दो पॉसिबिलिटीज हैं या तो वो दोनों इवेंट डिसज्वाइंट हैं यानी दे आर डिसंट ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस उस सूरत में हमारे पास एक बड़ा सिंपल लॉ आता है उसमें यह होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ टू इवेंट्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू इवेंट्स लेकिन अगर वो डिसज्वाइंट ना हो देन वी विल हैव अ डिफरेंट लॉ तो पहले हम उस केस को कंसिडर करते हैं व्हेन द टू इवेंट्स आर डिसंट डिसंट इवेंट्स को हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी कहेंगे इसके लिए हमारे पास लॉ आता है इफ ए एंड बी आर टू डिसज्वाइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस एस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन वर्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए और एन इवेंट बी और बोथ इज इक्वल टू द सम ऑफ़ द प्रोबलिटीज ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी प्रोवाइड द इवेंट्स हैव नथिंग इन कॉमन अच्छा इस ये जो अभी मैंने आपको सम रूल स्टेट किया है दिस रूल कैन बी प्रूव वेरी क्विकली हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम इसको बड़ी आसानी के साथ प्रूव कर सकते हैं वही प्रिंसिपल जिसको हमने काउंटिंग प्रॉब्लम्स में किया था बाई इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर म्यूचुअली डिस एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस इन बी अब दोनों साइड को अगर हम डिवाइड कर दें बाई द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैंपल स्पेस तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एन ए यूनियन बी ओवर एन एस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी ओवर एन एस और इसको हम रीराइट कर सकते हैं राइट हैंड साइड को एन ए ओवर एन एस प्लस एन बी ओवर एन एस ना एन एवर एन एस इज एग्जैक्टली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड एन बी ओवर एन एस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो इस तरह हमारे पास रूल आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबलिटी ऑफ बी प्रोवाइडेड दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स Okay, now let us see a simple example that makes use of uh, this sum law suppose a die is rolled let a be the event that 1 appears and b be the event that some even number appears on the die then sample space s consists of 6 outcomes 1 2 3 4 5 and 6 amara a even just define ज ओनली वन आउटकम वन और बी में हमने आउटकम्स वो सारे के सारे ले लिये हैं विच आर इवन नंबर सो बी इज इक्वल टू टू फोर सिक्स अब ये नोट करें कि दोनों इवेंट जो है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव द सेट्स आर डिस ए एंड बी आर डिसज एज सेट्स अब प्रॉबलिटी ऑफ ए हम मालूम कर सकते हैं वन और सिक्स के बराबर है और प्रोबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू थ्री ओवर सिक्स अब वही सब रूल हम यूज करेंगे तो हमारे पास प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगी प्रोबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स प्लस थ्री ओवर सिक्स एंड दिस सिंप्लीफाइज टू टू ओवर थ्री लेट्स एग्जाम्पल अ बैग कंटेन्स सिक्स वाइट फाइव ब्लैक एंड फोर रेड बॉल्स Find the probability of getting a white or a black ball in a single draw. Now, note that the total number of balls is 14. Hai. This is equal to 15. We 6 white, 5 black, and 4 red balls. The total number is 6 plus 5 plus 4, which is equal to 15. This is a sample space contains 15 elements. और इवेंट जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो है वाइट uh, बॉल और अ ब्लैक बॉल हमने एक बॉल को ड्रॉ किया है और हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे इधर इट्स अ वाइट बॉल और अ ब्लैक बॉल नाउ सिंस देर आर सिक्स ब्लैक वाइट बॉल्स तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इज इक्वल टू सिक्स ओवर फिफ्टीन और ब्लैक बॉल की प्रॉबिलिटी आ जाएगी since there are five black balls 5 over fifteen our probability of getting either a white or a black ball is now equal to 6 over fifteen plus 5 over fifteen which is equal to 11 over fifteen ugly problem hum jo le rahe hai, um, that is again a very simple problem is toss a pair of dice jo hai, usko toss karenge and then we will have a

तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे वन फोर यानी पहली डाई पे वन है दूसरी पे फोर है टू थ्री थ्री टू फोर टू ये चार फेवरेबल आउटकम आ जाते हैं इवेंट ए के लिए और इवेंट बी में हम ले रहे हैं गेटिंग अ टोटल ऑफ एलेवन तो दिस विल हैव फाइव सिक्स एंड सिक्स फाइव एज फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स इस तरह ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 ओवर 36 और बी की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 2 ओवर 36 और हमारा जो इवेंट है विच इज़ यूनियन ऑफ ए एंड बी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 ओवर 36 सिक्स प्लस टू ओवर थर्टी सिक्स एंड दिस इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स अच्छा अभी जो हमने सम रूल स्टेट किया है इसमें हमने कंडीशन रखी थी कि ए एंड बी शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अब हम जनरलाइज्ड सम रूल को डिफाइन करेंगे जिसमें इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होगी दिस रूल विल बी अप्लीकेबल फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एज वेल एज म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स लेकिन इस रूल को स्टेट करने और इसको एक्सप्लेन करने से पहले वी विल नीड अ रिज़ल्ट हम एक रिज़ल्ट करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी फॉर अंडरस्टैंडिंग द जर्नरलाइज्ड सम रूल तो पहले हम ये रिजल्ट देखते हैं For any two events, A and B of a sample space S, prove that probability of A minus B, which is equal to probability of A intersection B complement, is equal to probability of A minus probability of A intersection B. Achha, probability of A minus B, as we have noted, this is equal to A minus B, we know that this is equal to A intersection B complement. अब आप ये जो वैन डायग्राम बनाई हुई है इसमें हमने इवेंट्स ए और बी को रिप्रेजेंट किया हुआ है विद टू सर्कल्स इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ए माइनस बी को भी और एंड सेक्शन बी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप ये देखते हैं कि ये दोनों जो सेबसेट बन रहे हैं ए माइनस बी और एंड सेक्शन बी दे आर डिस ज्वाइंट और ए इज यूनियन ऑफ दीज टू डिस ज्वाइंट सबसेट्स अब चूंकि ये दोनों इवेंट ये डिसज्वाइंट है तो हमारा जो सम रूल अभी हमने स्टेट किया था दर इज एप्लीकेबल देयर तो इस तरह प्रॉबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबिलिटी ऑफ ए इंटर सेक्शन बी तो इस तरह यह हमारे पास आ जाता है प्रॉबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबिलिटी ऑफ ए इंड सेक्शन बी उसको हम रिस्टेट कर देते हैं जिसे हमने साबित करना था अच्छा अब हम जनरल सम लॉ को एडिशनल लॉ को स्टेट uh, करते हैं और इसको हम नोट करेंगे कि वी कैन प्रूव इट वेरी इजिली यूजिंग द रिजल्ट वी है जनरल एडिशन लॉ ऑफ प्रोबिलिटी इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट ऑफल स्पेस एस देन प्रॉबलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रॉबलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबलिटी ऑफ ए इंडशन बी अब इसमें भी हमने ए यूनियन बी को वेन डायग्राम के जरिए हमने लिखा हुआ है और डिफरेंट एरियाज के जरिए हमने डिफरेंट जो सेट्स हमारे पास आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है

क्शन बी अच्छा ये लॉ हमने वेंडा के है। लेकिन इसको हम के भी बड़ी आसानी के साथ साबित कर सकते हैं हमें पता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कहा था एफ ए एंड बी आर टू से प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमने तो सिंपली आपको डिवाइड करना पड़ेगा तो आपके पास वही जनरल हमारा एडिशन लॉ आ जाएगा जिसको अभी हमने साबित किया है तो दोनों तरीकों से आप इसको बड़ी आसानी के साथ साबित कर सकते हैं तो ये दोनों मैथड बताने का मकसद हमारा ये था कि आप इसकी सही अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए तो व्हेन यू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग फॉर द लॉ देन यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस मोर इजीली अच्छा अब हमने जो जनरल लॉ एडिशन लॉ स्टेट किया प्रॉबिलिटी का इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जो पहली एक्सरसाइज हम करने लगे हैं इसमें कोई हम कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट या पर्टिकुलर इवेंट की बात नहीं करेंगे बल्कि हम एक जनरल एक्सपेरिमेंट लेते हैं जनरल सैंपल स्पेस लेते हैं ऑफ सम एक्सपेरिमेंट और कोई हम आर्बिट्रली कोई एलिमेंट्स कोई उसके इवेंट्स ले लेते हैं ए और बी अब इन ईवेंट्स की प्रोबिलिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी गिवन होगी हमें और कुछ हमसे पूछी गई होगी लेट ए एंड बी बी इवेंट्स इन ए सैम्पल स्पेस एस एंड लेट प्रोबिलिटी ऑफ ए B equal to 0 0.65, probability of B equal to 0 0.30, and probability of A intersection B equal to 0 0.15. The information I'm given, and we are asked to determine the probability of the events, A intersection B complement, B A union B, and finally C ए complement इंड सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो ए के सोल्यूशन के लिए हम नोट करते हैं कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंड सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था कि दिस इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रॉबलिटी ऑफ ए इंड सेक्शन बी अब प्रॉबलिटी ए भी हमें गिवन है और प्रॉबलिटी ऑफ A इंड सेक्शन B इज ऑल्सो गिवन तो ये वैल्यूज हम सब करते हैं जीरो पॉइंट एंड द रिजल्ट इज जीरोन बी मालूम करनी है मुताबिक दिस इक्वल टू प्रॉबलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटर सेक्शन बी अब इन तीनों टर्म्स की प्रॉबलिटी इन तीनों टर्म्स में जो हमारे पास प्रॉबलिटी है यह हमें हम मालूम है प्रबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स फाइव प्रोबलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री जीरो एंड प्रॉबलिटी ऑफ ए इन सेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन फाइव ये वैल्यू सब्सट्यूट करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉबलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट जीरो अच्छा पार्ट सी में हमने ए कॉम्प्लीमेंट इन सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉबलिटी मालूम करनी है तो पहले हम नोट करते हैं यूजिंग डिमॉर्गन लाओ

अब ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी वी ऑलरेडी हैव दैट दिस इज इक्वल जीरो पॉइंट इस तरह ये हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस जीरो पॉइंट इक्वल्स 0.20 अच्छा अगला क्वेश्चन जो है ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है इसमें भी हम कोई एक्सपेरिमेंट एज सच स्टेट नहीं करेंगे हम आर्बिट्री इवेंट्स लेंगे बट इट विल बी अटल बुट मोर कॉम्प्लिकेटेड हम इसमें दो की बजाय तीन चार एक्सपेर तीन चार इवेंट ले लेते हैं ए बी सी एन डी और कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी ऑन द बेस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन विस्ट टू फाइंड सम अदर प्रॉबिलिटीज लेट ए बी सी एन डी बी इवेंट्स विच फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस इफ पी एक्वल्स पी बी पी सी इक्वल्स टू टाइम्स पी एंड पी डी इक्वल्स टू टाइम्स पी सी जो टू माइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉबिलिटीज पार्ट ए में हमने ए की प्रॉबलिटी मालूम करनी है पार्ट बी में ए यूनियन बी की प्रॉबलिटी मालूम करनी है और पार्ट सी में ए यूनियन सी यूनियन डी की प्रॉबलिटी मालूम करनी है सोलूशन में सबसे पहले आप ये नोट करें कि सिंस ए बी सी एंड डी द दार्टिशन सी तो इसका मतलब ये है कि दे आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और उनका यूनियन जो है वो एस के बराबर है तो हम एडिशन लॉ को यूज करते हुए लिख सकते हैं कि पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी अब पी ए एन पी बी दे आर इक्वल और PC सी इज़ टू टाइम्स पी और PD डी इज इक्वल टू टू टाइम्स पी तो इस तरह जितने भी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज जो हैं PB को भी हम PA की शक्ल में लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू PA PC को हम लिख सकते हैं टू टाइम्स पी और PD को हम लिख सकते हैं फोर टाइम्स पी तो इस तरह राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू एट टाइम्स ऑफ ए और लेफ्ट हैंड साइड में प्रबिलिटी हम ले रहे हैं सैम्पल स्पेस की और सैम्पल स्पेस की प्रॉबिलिटी हमेशा वन के बराबर होती है तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वन इक्वल टू एट टाइम्स प्रॉबिलिटी ऑफ ए एट से हम डिवाइड करें दोनों साइड्स को तो हमारे पास ए की प्रॉबिलिटी आ जाती है वन ओवर एट अब दूसरे पार्ट में हमने ए यूनियन बी की प्रॉबिलिटी को मालूम करना है अब चूंकि ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं इस तरह सम रूल को यूज करते हुए हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देर फोर दिस बिकम्स टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हमने वैल्यूएट किया था इन द फर्स्ट पार्ट कि हम वैल्यू सब करते थे वन ओवर एट और इस तरह प्रॉबलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज कैलकुलेटेड टू बी वन ओवर फोर फाइनली हमने ए यूनियन सी यूनियन डी की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है और चूंकि ये सारे के सारे इवेंट्स जो हैं तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी सी प्लस पी डी अब पी सी की जगह हम लिख सकते हैं टू टाइम्स पी ए और पी डी की जगह हम लिख सकते हैं फोर टाइम्स पी ए और दिस एड्स अप टू सेवन टाइम्स पी ए की प्रॉबलिटी हमने पार्ट ए में इवैल्यूएट की थी 1 ओवर एट के बराबर है तो इस तरह ए यूनियन सी यूनियन डी की प्रोबेबिलिटी आ जाती है 7 ओवर एट के बराबर अच्छा अब अगली एक्सरसाइज में हम कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स लेंगे बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स वही होंगे जो जिनको हम पहले भी करते रहें कुछ कार्ड्स के एक्सपेरिमेंट्स होंगे कुछ डाइस के जरिए हम करेंगे एक्सपेरिमेंट्स और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को हमने करना एक्सप्लोर करना है और अपनी ये रूल्स को अप्लाई करते हुए

कि हमारा कार्ड जो है इट्स ए स्पेड और दूसरा इवेंट बी है जिसे हम कह देते हैं कि आवर कार्ड इज एन एस अब हम ये देखेंगे कि स्पेड के तेरह कार्ड्स होते हैं किसी भी पैक में थर्टीन देर आर थर्टीन कार्ड ऑफ स्पेड उनमें एक एस भी होता है लेकिन टोटल चार एसेज होती हैं पैक में स्पेड की एस बी होगी क्लब की एस बी होगी डायमंड की एस पी होगी और हार्ट की एस पी होगी तो हमारा जो दोनों इवेंट्स हैं पहले इवेंट हैज 13 फेवरेबल आउटकम्स ए के 13 फेवरेबल आउटकम्स आएंगे और बी के चार फेवरेबल आउटकम्स आएंगे वी कैन हैव एनी ऑफ द फोर एसेस इन इवेंट पी अब ये दोनों इवेंट्स जो हैं, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्पेड की एस जो है वो इवेंट ए में भी शामिल है और इवेंट बी में भी शामिल है तो इन दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन जो है इट हैज ए कॉमन कार्ड इसमें एक आउटकम जो है वो कॉमन है तो अब हम जनरल रूल अप्लाई करेंगे सम का फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज ईदर अ स्पेड और एन एस तो इस तरह प्रॉबलिटी हो जाएगी पी

और इंटसेक्शन में एक ही इवेंट आ रहा है तो इस तरह पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वन ओवर फिफ्टी टू इस तरह पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनियन बी इज इक्वल टू थर्टीन ओवर फिफ्टी टू प्लस फोर ओवर फिफ्टी माइनस वन ओवर फिफ्टी एंड दिस इज कैलकुलेटेड दिस कैन बी कैलकुलेटेड इक्वल टू फोर ओवर थर्टीन ओके It will be slightly different. We will introduce a new experiment. Introduced karte. A class contains 10 boys and 20 girls, of which half the boys and half the girls have brown eyes. Find the probability that a student chosen at random is a boy or has brown eyes. Data given, I will There are 10 boys. They have brown eyes. So, five, 5 boys have brown eyes. There are 20 girls, and half of them have brown eyes. This means that there are 10 girls who have brown eyes. Now, we have a group of 30 boys and girls. We, have, we have randomly select one individual. And we want to know the probability of that the selected person is a boy. और हैज ब्राउन आइज तो दो इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं पहला इवेंट हो गया कि सिलेक्टेड पर्सन इज अ बॉय तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास टेन बन रहे हैं और दूसरा इवेंट है द तो सेलेक्टेड पर्सन हैज़ ब्राउन आइज अब हम ये देखते हैं कि इसकी प्रॉबलिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे बी के लिए चूंकि हम इवेंट बी में हम ब्राउन आइज ले रहे हैं तो देर आर फाइव बॉयज हुआ ब्राउन आईज एंड टेन गर्ल्स हुआ ब्राउन आईज इसका मतलब है कि देर आर फिफ्टीन इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप हु हैव ब्राउन आईज तो ए की प्रॉबिलिटी हो जाएगी टेन ओवर थर्टी और बी की प्रॉबिलिटी हो जाएगी फिफ्टीन ओवर थर्टी अब हमने ए यूनियन बी की प्रॉबलिटी को मालूम करना है और इसके फार्मूले में हमें ना सिर्फ ए की प्रॉबलिटी चाहिए और बी की प्रॉबिलिटी चाहिए हमें ए इंड सेक्शन बी की भी प्रॉबिलिटी चाहिए तो ए इंड सेक्शन बी इवेंट कौन सा है जिसमें कि ब्राउन आइज़ है एंड देर इज अ बॉय विद ब्राउन आइज़ देर आर ओनली फाइव बॉयज़ विथ ब्राउन आइज़ तो इस तरह ए इंड सेक्शन बी की प्रॉबलिटी आ जाएगी फाइव ओवर थर्टी और इस तरह हम नाव वी आर एबल टू कैलकुलेट द प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू टेन ओवर थर्टी प्लस फिफ्टीन ओवर थर्टी माइनस फाइव ओवर थर्टी एंड

An integer is chosen at random from the set of first hundred positive integers. What is the probability that the integer chosen is divisible by 6 or by 8? We have two events. Integer is divisible by 6. What event is this? And the chosen that the chosen integer is divisible by 8. Now clearly you note that these two events are mutually exclusive. मुमकिन है कि जो इंटीजर सिक्स डिविजिबल है वो एट से भी डिविजिबल हो और इसी तरह जो इंटीजर एट से डिविजिबल है, है so so पहले हमने ए दे की प्रॉबलिटी मालूम करनी है बी की प्रॉबलिटी को मालूम करना है फिर ए इंटर सेक्शन बी की प्रॉबलिटी को मालूम करना है तो so ए में कौन कौन से इंटीजर शामिल हो जाएंगे विच आर डिजल बायस बी में आ जाएंगे विच आर डिजल बाय एट और ए इंटर सेक्शन बी में आ जाएंगे वो इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ सिक्स एंड एट तो जो इंटीजर और एट दोनों से डिविजिबल होंगे दे आर बेसिकली द इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो उनके एल्सियम से डिविजिबल uh, है विच इज ट्वेंटी तो इस तरह हमारे पास रिक्वायर्ड uh, इवेंट की प्रॉबिलिटी आ जाती है नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय सिक्स इज इक्वल टू कोशंट ऑफ 100 divided by 6 which is 16 number of integers divisible by 8 is equal to quotient of 100 by 8 which is equal to 12 or number of integers which are divisible by both 6 and 8 is equal to integral part of 100 over 24 which is equal to 4 therefore the required probability p a union b ज इक्वल टू 16 ओवर 100 प्लस 12 ओवर 100 माइनस 4 ओवर 100 एंड दिस इज इक्वल टू 6 ओवर 25। फाइव अच्छा आई थिंक यू विल फाइंड अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वाइट इंटरेस्टिंग इसमें हमारे पास कुछ स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और हमारे उन्हीं सम रूल्स को यूज करते हुए और इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए जिनका भी हमने इस्टेब्लिश किया है हम कुछ स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन वहाँ से डिड्यूस करेंगे A student attends mathematics class with probability 0.7, skips accounting class with probability 0.4, and attends both with probability 0.5. Find the probability that he attends at least one class. This part 1 and the second part is find the probability that he attends exactly one class. अच्छा अब हम पहले तो जो हमारे पास इवेंट्स हैं उनको ए और बी का लेबल दे देते हैं लेट ए बी द इवेंट दैट द स्टूडेंट अटेंड्स मैथमेटिक्स क्लास एंड लेट बी बी द इवेंट दैट द स्टूडेंट अटेंड्स अकाउंटिंग क्लास प्रॉबलिटी ए हमें डायरेक्टली गिवन है 0.7 के बराबर है लेकिन प्रॉबलिटी बी जो है इसका कॉम्प्लीमेंट हमें दिया गया है बी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रॉबलिटी गिवन है देर फोर ऑफ बी इज इक्वल टू वन माइनस 0.4 वो प्रोबेबिलिटी थी कि स्टूडेंट अकाउंटिंग की क्लास को स्किप करता है तो इसके अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1-0.4 जीरो पॉइंट फोर विच इज इक्वल टू जीरो अब दोनों क्लासेस के अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो इस तरह तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड सेक्शन बी इक्वल टू 0.5 पार्ट ए में हमने मालूम करना है कि वन क्लास at यानि इधर ही अटेंड्स Uh, mathematics class, or he attends accounting class, or he attends both of these classes. The probability of A union B is now equal to probability of A plus probability of B minus probability of A in section B. value we substitute as 0.7 plus 0 0.6 minus 0 0.5, and this is equal to 0 0.8. Part B we the probability. Malum कि स्टूडेंट अटेंड्स एक्जैक्टली वन क्लास तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनेगी एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो मैथमेटिक्स की क्लास को अटेंड करता है लेकिन अकाउंटिंग की क्लास को स्किप कर देता है और दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो मैथमेटिक्स की क्लास को स्किप कर देता है और अकाउंटिंग की क्लास को अटेंड कर लेता है अब हम इन दोनों इवेंट्स की प्रॉबिबिलिटी को मालूम करेंगे और आप ये नोट करेंगे ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो जो रिक्वाय प्रोबिलिटी होगी दैट विल बी द टू प्रोबिबिलिटीज अच्छा हमने अभी जिन दो पॉसिबिलिटीज को जिक्र किया है इन इवेंट्स को हम डिनोट कर सकते हैं ए इंड सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी के साथ अब प्रोबिलिटी ऑफ ए इंड सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबिलिटी ऑफ ए माइनस बी विच इज इक्वल टू प्रोबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबिलिटी ऑफ ए इंड सेक्शन बी अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है दिस इज इक्वल टू प्रोबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन एंड प्रोबिलिटी ऑफ ए इन सेक्शन बी इज इक्ल टू जीरो पॉइंट फाइव देर फोर प्रॉबिलिटी ऑफ ए इन सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू इसी तरीके से हम ए कॉम्प्लीमेंट इन सेक्शन बी की प्रॉबलिटी मालूम कर लेते हैं यूजिंग द सेम प्रोसीजर एंड दिस इज ए वेल्यू एच टू बी ज़ीरो पॉइंट वन अब हमारी रिक्वायर्ड प्रॉबलिटी जो है इन दोनों इवेंट्स की प्रॉबिलिटी का सम है therefore this is equal to probability of a intersection b complement plus probability of a complement intersection section b and this is equal to 0.2 plus 0.1 which is 0.3 Now, naturally you rule apply karne which we have already learned in uh, previous lecture and in this lecture ligina you will also have to use your common sense आपको कुछ प्रॉपर्टीज हमने बताई हैं प्रॉपर्टीज के प्रोबेबिलिटी के हवाले से आपको प्रॉपर्टीज अगर याद होंगी देन यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन लेट ए एंड बी बी सबसेट ऑफ असैम्पल्स स्पेस एस विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.7 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5 व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बेसिकली दो पार्ट्स हो गए हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मालूम करनी है प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की अच्छा एडिशन लॉ को हम यूज करते हैं एंड वी हैव प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबिलिटी ऑफ एंड सेक्शन बी प्रोबलिटी ए की वैल्यू है जीरो पॉइंट बी की वैल्यू है जीरो सो वी हैव राइट एंड साइड इक्वल टू वन पॉइंट टू माइनस प्रोबिलिटी ऑफ ए इंड सेक्शन बी अच्छा हम ये चाहते हैं कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू को भी मालूम हम करना चाहते हैं और इसकी हम मिनिमम वैल्यू को भी मालूम करना चाहते हैं अब ये इक्वेशन हमारे पास जो सामने लिखी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1.2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर सेक्शन बी अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू बड़ी उस में होगी अगर ए इंटर सेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम होगी अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी मिनिमम वैल्यू अगर हम जीरो ले लें लत से तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बन जाएगी 1.2 पॉइंट टू देट इज रियली नॉट पॉसिबल कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1.2 पॉइंट तो हो नहीं सकती इट कैन नेवर वन इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो हम कम अज कम वैल्यू ले सकते हैं दैट विल बी 0.2 पॉइंट टू एंड दैट विल गिव अस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो इस तरह प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती हैल्यू लेना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि प्रोबिलिटी ऑफ ए इंड सेक्शन बी की हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी अब एंड सेक्शन बीज क्लियरली है सबसे बी इसका मतलब है कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटर सेक्शन बी कैनॉट बी मोर देन प्रोबिलिटी ऑफ बी तो हमारे पास एनी क्वालिटी आ जाती है प्रॉबिलिटी सेक्शन बी इज लेस इक्वल टू प्रोबिलिटी ऑफ बी और प्रॉबिलिटी गिवन है जीरो पॉइंट फाइव अगर इसी मैक्सिमम वैल्यू को हम यूज करते हैं तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाती है देर फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबलिटी ऑफ एनियन बी इज इक्वल टू वन पॉइंट टू माइनस मैक्म वैल्यू ऑफ प्रोबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू वन पॉइंट टू माइनस जीरो पॉइंट फाइव तो इस तरह ए यूनियन बी की प्रॉबिलिटी की मिनिमम वैल्यू बन जाएगी जीरो पॉइंट सेवन अच्छा हमने अपना जो सम रूल स्टेट किया है इट हैज बिन स्टेटेड फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी हम तीन इवेंट्स के लिए भी स्टेड कर सकते हैं या चार इवेंट्स के लिए भी हम स्टेड कर सकते हैं तो आपको याद होगा कि हमने प्रिंसिपल जब अब स्टेट किया था काउंटिंग प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हुए तो उसको भी पहले हमने दो दो सेट्स के लिए लिया था फिर तीन के लिए और चार के लिए भी हमने उसको आ, रूल को डिफाइन स्टेट कर दिया था उसी पैटर्न के ऊपर हमारे पास जो सम रूल जो है वो भी उसी पैटर्न को फॉलो करेगा हम सम रूल को स्टेट कर सकते हैं फॉर थ्री इवेंट्स एज फॉलोस। इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री इवेंट्स then probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A in section B minus probability of A in section C minus probability of B in section C plus probability of A in section B in section C. Ajay, aap ye kar agar इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो फिर प्रॉबिलिटी ऑफ एंड सेक्शन बी भी जीरो के बराबर हो जाएगा प्रॉबलिटी ऑफ एंड सेक्शन सी बी और प्रॉबिलिटी ऑफ बी सेक्शन सी बी जीरो के बराबर हो जाएगा और इस तरह यह हमारा सम रूल जो है दिस विल बिकम रेलेटिवली सिंपल और हमारे पास ये रूल आ जाएगा प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू प्रॉबलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रॉबलिटी ऑफ सी दिस ज्वाइंट इवेंट्स अब सम रूल को जैसे हमने डिफाइन किया फॉर थ्री इवेंट्स तो अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं विच इन्वॉल्व थ्री इवेंट्स और वहां पर यह रूल एप्लीकेबल होगा थ्री न्यूज पेपर्स ए बी सी आर पब्लिश इन सिटी एंड अ सर्वे ऑफ रीडर्स इंडिकेट्स द फॉलोइंग ट्वेंटी परसेंट रीड न्यूज पेपर ए 16% read newspaper B, 14% read newspaper C, 8% read both A and B, 5% read both A and C, 4% read both B and C, and 2% read all the three papers. For a person chosen at random, find the probability that he reads none of the papers. अच्छा हमें डाटा गिवन है जिसमें बताया गया है कि ए को कितने लोग पढ़ते हैं बी को कितने पढ़ते हैं एक्टसेट्रा इस तरह की हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है एंड दर इज़ द पॉसिबिलिटी कि कुछ लोग उस शहर में ऐसे भी हों जो कि इनमें से किसी भी अखबार को ना पढ़ते हों तो हमने मालूम करना है कि रेंडमली अगर हम किसी एक आदमी को सिलेक्ट करते हैं कि वट इज़ अ पॉबिलिटी डेट ही डज नॉट रीड एनी ऑफ द थ्री पेपर्स तो बेसिकली हमने इन इवेंट्स को अगर हम ए यून बी का हम ए यून बी सी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी को मालूम करना चाहते हैं गिवन सीड्रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सेक्शन बी इज एट ओवर 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शन सी इज फाइव ओवर हंड्रेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बीक्शन सी इज फोर ओवर हंड्रेड वी आर ऑल्सो गिवन दैट प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंड सेक्शन बी सेक्शन सी इज इक्वल टू टू और हंड्रेड अब हमें मालूम करनी है प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के कॉम्पलीमेंट की प्रॉबलिटी मालूम करनी है लेकिन हम पहले ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रॉबलिटी मालूम कर लेते हैं और देन वी वी बी एबल टू फाइंड द प्रॉबलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इवेंट अब सम रूल को यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ़ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन सेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंड सेक्शन बी इन सेक्शन सी और ये सारी की सारी वैल्यूज हमें गिवन है क्वेश्चन में वैल्यू सब करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा थर्टी ओवर हंड्रेड अब रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी है हमने मालूम करनी है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट की एंड दिस इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी सो दिस इज इक्वल टू वन माइनस 35 ओवर 100 व्हिच इज 65 ओवर 100 तो इसका मतलब है कि देर गुड मैनी पीपल हु डू नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़ तो देर इज दिक्सटी फाइव चांस दैट द पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम कैन डजेंट रीड एनी ऑफ़ द्री न्यूज पेपर्स अगे मोर एक्सरसाइज टू एन द टॉपिक ये प्रॉब्ली हमारी आखिरी एक्सरसाइज होगी आज के लिए इसमें भी हम कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट और किसी पर्टिकुलर इवेंट्स की बात नहीं कर रहे होंगे हम आर्बिट्रली कुछ ईवेंट्स चूज करते हैं ए बी सी उनके बारे में कुछ इंफॉमेशन हमें गिवन है और कुछ हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने डिड्यूज करनी होगी लेट ए बी एंड सी बीट्स इन अम्पल स्पेस एस With A union B union C equal to S, A in section B union C equal to 5, probability of A equal to 0.2, probability of B equal to 0.5, and probability C equal to 0.7. Find probability of A complement, probability of B union C, and probability of B in section C. बेसिकली तीन पार्ट्स हो गए इसके हमने तीनों वन वन बाय इवैल्यूएट करना है तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं दिस इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड दिस इज़ इक्वल टू वन माइनस जीरो पॉइंट टू दैट इज जीरो पॉइंट एट अब हमने मालूम करनी है नेक्स्ट प्रॉबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी इट्स गिवन दैट बी यूनियन सी एंड ए आर म्यूचुअली डिसज्वाइंट देयर फॉर प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी है विच इज इक्वल टू एस दिस इज ऑल्सो गे वन और प्रॉबिलिटी ऑफ एस हमें पता है कि वन के बराबर होगी प्रॉबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है जीरो पॉइंट टू वैल्यूज तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी हमारे पास आ जाती है वन माइनस जीरो 0.8 अच्छा फाइनली हमने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन सेक्शन सी इसके लिए हम एडिशन लॉ को यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रॉबलिटी ऑफ बी प्लस प्रॉबलिटी ऑफ सी माइनस प्रॉबलिटी ऑफ बी इंटर सी अब प्रॉबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी इज गिवन is uh, we have already found this is equal to 0.8 probability of B is known to us this is equal to 0.5 and probability of C is also known to us this is equal to 0.7 ये values हम substitute करते हैं तो हमारे पास probability of B intersection C आ जाती है 0.4 अच्छा आज के lecture में हमने sum rule के different aspects को काफी detail के साथ study किया अब अगले lecture में हमने प्रोडक्ट uh, रूल को स्टेट करना है और उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ साथ हम जो रिलेटेड हमारा होगा टॉपिक वो होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने किसी uh, इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होगी गिवन सर्टेन कंडीशंस ये मालूम करेंगे और दैट विल बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सम रूल प्रोडक्ट रूल को मालूम करने के लिए प्रोडक्ट रूल में हम कंडीशनल प्रॉबलिटी को यूज़ करेंगे आई थिंक इट्स एन फॉर टुडे And I would like to say goodbye to you for now.